हेलो फ्रेंड, मैं हूं सत्यम राज और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप फिल्मोरा गो का यूज करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या किसी भी वीडियो में अच्छे से अच्छे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू वीडियो प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करके आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपका सारे वीडियो जो भी आपने फ़ोन में रहे होंगे या आपने जो भी डाउनलोड किया होगा सारे आपको इसमें शो करेंगे, उसको आपको ऐड कर लेना है। प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेना और प्लस के बगल में आपको दो लाइन जो मिलेंगे उसको आप एडजस्ट करके वीडियो को चाहें तो आप ट्रिम कर सकते हैं। आप जितना सेकंड चाहें उतना सेकंड ट्रिम कर सकते हैं और उसको फिर ऐड कर लेंगे। और फिर आपको नीचे में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं सबको बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सिर्फ अभी यहाँ पे इफ़ेक्ट के बारे में बताएं। तो आपको यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रीसेट में आपको 12 इफ़ेक्ट्स फ्री का मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो मेन है विंटर इफ़ेक्ट, विंटर 2 और विंटर 3, मेनली ये तीन इफेक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपने किसी ना किसी स्टेटस में आप इसे ज़रूर देखा होगा। तो जैसा कि आप विंटर 1 इफेक्ट में देख रहे हैं, स्नो ऊपर की ओर से आ रहा है, सेम इसी टाइप का आपको विंटर 2 में मिलेगा जो आपको हल्का हल्का सेकेंड स्नो मिलेगा स्नो, और सेम फिर आपको विंटर 3 में भी कुछ इस टाइप के ही इफेक्ट मिल जाएंगे। और ऐसे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे मिले, जिसका भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, आप जैसे चाहें अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे भी नीचे देख रहे हैं बहुत सारे इफेक्ट हैं, ये सारे इफेक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। सिंपली आपको ये जाना है प्ले स्टोर पे और उसमें लिखना है फिल्मोरा गो और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद आप इसे में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक विंटर 2 इफेक्ट को ऐड कर लिया हूँ और इसे ओके करके इसे सेव कर लेता हूँ। आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं, फिर आपको सेव पे जाना है और कुछ टाइम लेगा और उसके बाद सेव हो जाएगा। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, आपको लास्ट में छोटा सा वाटर मार्क आता है जिसे आप ट्रिम करके रिमूव कर सकते हैं और कहीं पर भी नहीं। लास्ट में आपको आउटरो के तौर पे एक छोटा सा एनिमेशन आ जाएगा जो फिल्मोरा को ऑटोमेटिक अगर आपने बाय नहीं किया है तो वो ऐड कर देता है, तो उसे आप ट्रिम करके रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेविंग पीरियड में टाइम लगेगा, आपको वेट कर लेना, 100 होने के बाद ये आपके वीडियो पूरा क्रिएट हो, ये जो फिल्मोरा है इसको आपको ट्रिम करके रिमूव कर सकते हैं। फिर अभी ये सेव हो चुका है जो फिल्मोरा के फोल्डर में है, फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे सेव टू कैमरा रोल, उस पर क्लिक कर दें, ये सारे वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे और उसके बाद आप इसे गैलरी से भी यूज कर सकते हैं और जहाँ चाहें आप इसे अपलोड या शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।